गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है अलगाव का सिद्धांत, एलिनेशन ऑफ आई मीन टू से थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का सिद्धांत क्या है, देखते हैं हम। कार्ल मार्क्स ने समाज में दो वर्ग बताए, पहला पूंजीपति और दूसरा दास या सर्वहारा वर्ग। तो कार्ल मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत कुछ इस तरह से प्रकट होता है कि जो उत्पादन के साधन तैयार करते हैं वो उत्पादन के साधनों का उपभोग उतना ही कम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो उत्पादन के साधनों का आविष्कार ज्यादा करते हैं वो उतने ही उत्पादन के साधनों का उपभोग कम करते हैं। वो जितना अधिक मूल्य पैदा करते हैं उतना ही कम मूल्य का उपभोग वो कर पाते हैं, या यूं कहे कि उतना ही वो महत्वहीन हो जाते हैं। तो उत्पादन के साधनों को तैयार कौन करता है? दास वर्ग, और पूंजीपति वर्ग उसका उपभोग करता है। तो उपभोग दास वर्ग नहीं कर पाता उतना जितना उपभोग पूंजीपति करता है, क्योंकि अर्थ का अभाव दास वर्ग के पास होता है, और अर्थ के अभाव की वजह से वो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों में पिछड़ने लगता है। अच्छा, जिसके पास अर्थ ज्यादा होता है, जो पूंजीपति वर्ग होता है, तो जिसके पास अर्थ ज्यादा होगा उसके पास सत्ता होगी। तो जो उत्पादन के साधन तैयार करता है, जो उत्पादन करता है उसके पास अर्थ कम होता है। अर्थ कम होने की जो वजह है वो यह है कि पूंजीपति वर्ग जो है दास वर्ग का क्या करता है, शोषण। दास वर्ग का शोषण करने की वजह से सर्वहारा वर्ग में अर्थ की कमी हो जाती है, और अर्थ की कमी हो जाने के कारण सर्वहारा या दास वर्ग जो है राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में पिछड़ना प्रारंभ कर देता है। वो समाज से कटना प्रारंभ करता है, समाज से कटना या समाज से अलग होना प्रारंभ करता है, और समाज से इस तरह से कटने या अलग होने को क्या कहते हैं, अलगाव कहते हैं। तो अलगाव जो है वो अर्थ की कमी की वजह से होता है, और अर्थ की कमी की वजह से वो अन्य वर्ग से सभी क्षेत्रों में पिछड़ जाता है। तो वो वर्ग जो दास वर्ग है वो सामान्य वर्ग से, जो कि पूंजीपति वर्ग है जिनके पास साधन संपन्न है, उस वर्ग से वो पिछड़ना प्रारंभ हो जाता है, और उस तरह से एक तरह से वो कटना प्रारंभ कर देता है। तो कार्ल मार्क्स ने ये बताया है कि व्यक्ति जो है वो किस तरह से कटता है समाज से।
और इसी अवधारणा को उसने अलगाव का सिद्धांत नाम दिया। तो कार्ल मार्क्स के अलगाव का सिद्धांत जो है उसका कारण उत्पादन के साधन है और उत्पादन के साधन की कमी के वजह से, उत्पादन के साधन के उपभोग की कमी की वजह से दास वर्ग जो है वो सामान्य वर्ग से कट जाता है, अलग हो जाता है और यही कटना या अलग होना अलगाव कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो साधनों का उपभोग कम कर पाते हैं वो एक समूह में या एक समूह जो है वो समाज से पृथक हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत को समझाया है कि अलगाव जो है वो किस तरह से उत्पन्न होता है। तो यह थी विचारधारा अलगाव के सिद्धांत की जो कार्ल मार्क्स ने दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।